हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनु मॉडर्न ब्यूटी टिप्स में और मैं हूँ तनु। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप भी अपने लंबे बालों को कम टाइम में बहुत ज़्यादा लंबा करना चाहती हूँ और घना करना चाहती हूँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जब आप अपने बालों में उसको अप्लाई करेंगे तो उससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा और आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे और मजबूत होंगे। लेकिन बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। क्योंकि इसमें मैं 3 चीज़ों का यूज़ करूँगी जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो है एलोवेरा जेल, और दूसरा है आंवला, और तीसरा है आपका कोकोनट ऑयल। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं जो आप अपने बालों में जो अप्लाई करती हैं। तो मैं इसके मिक्सचर से एक ऐसी चीज़ बनाऊँगी जिससे कि आपके बालों को बहुत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दीदी इस रेमेडी से हमें इतना फ़ायदा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा जेल की, लेकिन आपको यहाँ पर एलोवेरा ब्रांड चाहिए होगा, आपको जेल फॉर्म नहीं लेना है जो ऐसा मार्केट में मिलता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद आपको चाहिए होगा आंवला। अगर आपके पास ये वाला आंवला नहीं है तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और उसके बाद अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मार्केट में सूखा आंवला भी मिलता है, आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आप जब पाउडर यूज़ करेंगी तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको वो कैसे यूज़ करना है। तो फिर ये इसका क्या करना है, आपको आंवला इम्पॉर्टेंट है तो आंवला ले लीजिए, और ये है तो इसको हम जो है हल्के हल्के ऐसे छोटे पीसेस काट लेंगे। तो इस तरीके से आप काट लीजिए। अगर आप कम टाइम में अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी इसको अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये शेयर किया जाए। तो इसके लिए अब इसके बाद ये हमने कट कर लिया है, अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो आप इस तरीके से इनके पीसेस कर लीजिए। मैं इनको और छोटा कर देती हूँ जिससे कि अच्छे से उसमें इनका जो रस है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 आम ले लूँगी। इसमें मैं कोकोनट ऑयल को ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 4 चम्मच कोकोनट ऑयल को ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए भी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें आप और भी कोकोनट ऑयल को ऐड कर सकते हैं। ये हल्का सा गर्म हो जाए, फिर इस अच्छा सा ये हो जाए। इसके बाद मैं इसमें जो हमने एलोवेरा काटा था वो ऐड कर दे रही हूँ। और आंवला भी ऐड कर दे रही हूँ। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे। जैसे कि जो इसके जो भी गुण है वो अच्छे से इसमें आ जाए ऑयल में। हेलो
हल्का हल्का ये ब्राउन होने लगा है, अब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। आप चाहें तो मखमल कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। आप इस तरीके से एक बाउल में निकाल लीजिए। ये ऑयल हमारा रेडी है बालों में लगाने के लिए। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है तो इसको भर भर के लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।